हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं आईसीएमआर वीसीआरसी की वेबसाइट के ऊपर हूँ। वीसीआरसी का मतलब हो गया वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर। ये पुडुचेरी में है, यानी कि पौंडीचेरी इसका पूरा पहले का नाम था। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया पोस्ट निकली हुई है, परमानेंट पोजिशन है टेक्निकल ऑफिसर बी की। तो इस वीडियो में मैं इस पोजिशन के बारे में बात करूँगा और आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इसमें, इसके बारे में बात करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल के ऊपर दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। अब इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका वेबसाइट दिया हुआ है। वेबसाइट भी हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे देंगे ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। पहला सीरियल नंबर अगर आप देखें तो फिलिंग अप ऑफ टेक्निकल ऑफिसर बी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट आईसीएमआर वीसीआरसी पुडुचेरी। ये स्टेटस ओपन है और परमानेंट पोस्ट है। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन जो है वो वैकेंसी नोटिफिकेशन का है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म का है और तीसरा ऑप्शन एनेक्सर्स का है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको डिटेल पढ़नी है वैकेंसी के बारे में तो पहले वाले पे क्लिक कर दीजिए, जो कि मैं जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। दूसरा वाला जो है एप्लीकेशन फॉर्म का है, इसी एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पे भेजना है। और फिर फाइनली जो एनेक्सर 1, 2, 3 है, ये डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं और आप अगर कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है तो अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको एनेक्सर्स का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो मैंने ये वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा वीडियो मैंने ये पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप जल्दी से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आईसीएमआर वीसीआरसी है। आईसीएमआर वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर ये पुडुचेरी में है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर ज़रूर देख लिया करिए। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, इसकी जो डेट है वो 16/8/2023 है, यानी कि कल ही ये अनाउंस हुआ है। टेक्निकल ऑफिसर बी पोजीशन, तो ये 5/9/2023 इसकी लास्ट डेट है। 5 सितंबर तक आपका एप्लीकेशन यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। 5/9/2023 को भी अगर हम डिटेल में जाएँ तो 5:30 बजे शाम तक ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर मैं नेम ऑफ पोजीशन पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर की पोजीशन है, एक पोस्ट है, लेवल 10 की पेमेंट है। तो आप देख सकते हैं 56,100 से शुरुआत होगी और 1,77,500, तो सैलरी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 35 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी की सीट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास जूलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और एंटेमोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पब्लिक हेल्थ एंटेमोलॉजी में भी अगर आपके पास डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड क्लास पीजी डिग्री है पीएचडी की इन द अबव सब्जेक्ट्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो 5/9/2023 जैसा मैंने बताया था। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो रिटन का एग्जामिनेशन है वो बेसिकली आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन या आपको रिजेक्ट किया जाएगा। फीस जो है, अगर फीस की बात करूँ तो 500 रुपये इसकी फीस है, फीस अप्लाई करने की लगेगी। हाउ टू अप्लाई में मैंने आपको अभी दिखाया था कि कहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और उसको कम्प्लीटली फिल कर दीजिए। इसके बाद फिल करने के बाद आपको एक सील्ड एनवेलप में के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर बी और उसको भेज देना है डायरेक्टर आईसीएमआर वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर मेडिकल कॉम्प्लेक्स इंदिरा नगर पुडुचेरी 605006। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए ही भेजना चाहिए। बाय हैंड ये एप्लीकेशन रिसीव नहीं की जाएगी। लास्ट डेट 5/9/2023 है, 500 रुपये इसकी फीस है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो डीडी भेजना पड़ेगा वो ड्रॉन होना चाहिए द डायरेक्टर आईसीएमआर वीसीआरई पुडुचेरी के तरफ के नाम पे। यहाँ पे कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो कि ज़रूरी है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय, तो इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो वेबसाइट के ज़रिए ही होगी, तो वेबसाइट को ही आपको रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा। एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे मतलब अनरिजर्व पोजिशन है तो SC ST कैंडिडेट्स को या किसी भी और कैंडिडेट को कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी एज लिमिट के रिस्पेक्ट में। ठीक, इसके अलावा 5 साल की 5 ईयर्स रिलैक्सेशन अलाउड है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक, जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करूँ तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो कॉमन जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वही यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं।
प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो 2 साल का होता है, वो आप जानते ही हैं कि आईसीएमआर की सारी जॉब्स में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। और इसके अलावा ये कुछ कुछ और डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टेक्निकल ऑफिसर बी, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको फिल कर दीजिए और उसके बाद भेज दीजिए जो एड्रेस मैंने बताया था। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे आपको एक जो डिमांड ड्राफ्ट है वो ज़रूर भेजना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो भेजने हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। बेल आइकन को दोबारा बिल्कुल बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।